अभी अभी गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ी सुबह से ही बड़ी खबर आई है कि जिन किसान भाइयों ने अपने अकाउंट में 11वीं किस्त का पैसा अभी तक उन्हें नहीं मिला है, तो वो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 11वीं किस्त है उसका पैसा अभी तक आपके अकाउंट में नहीं पहुँचा है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, 2 मिनट का वीडियो है, ध्यान से देखिए ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। देखिए, सबसे पहले तो यदि आपने EKYC नहीं कराई है तो आप जाकर जल्दी से जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, देखिए यहाँ पर जो भी आपके कागजात हैं, जल्दी से लेकर जाइए और EKYC करा लीजिए, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट थी उसे बढ़ा दिया गया है, यहाँ पर इसे 31 मई कर दिया गया है। देखिए, यहाँ पर बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, इन किसानों को नहीं मिलेगी 11वीं किस्त के 2000 रुपये, जानिए क्या है वजह। देखिए, यहाँ पर हम थोड़े और नीचे जाएंगे, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त के पैसे आने वाले हैं, लेकिन किसान ऐसे हैं, यानी कि कुछ ऐसे किसान यहाँ पर ऐसे हैं जिन्हें 11वीं किस्त का पैसा यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। तो देखिए, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, कहीं आप वो किसान तो नहीं हैं कि आपको 11वीं किस्त का पैसा ना मिले। यहाँ पर हमें बताया गया है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खातों में 31 मई को पैसे आने वाले हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक कार्यक्रम के दौरान इसकी जानकारी दी है, लेकिन कई बार आवेदन में हुई गलतियों की वजह से किसानों के खातों में पैसे नहीं आ पाते हैं। तो यदि आपने कोई आवेदन किया था अभी किसान सम्मान निधि योजना के लिए, जो 11वीं किस्त के लिए आवेदन किया था, यदि आपकी उसमें गलती हो गई है तो इस वजह से आपके अकाउंट में पैसे नहीं आ पाएंगे, जल्दी जल्दी इसका आप सुधार करवाएं। और देखिए, यदि आपने EKYC नहीं कराई है तो जल्दी से 31 मई के पहले आप EKYC करा लें, ताकि मैं चाहता हूँ कि आपका जो 11वीं किस्त का पैसा है 2000 रुपये, वह आपके पास पहुँच जाए। देखिए, यहाँ पर जो पिछले साल का पैसा था वह जल्दी आ गया था, इस बार लेट हो गया है, क्योंकि यहाँ पर जो EKYC है वह किसानों ने नहीं कराई है। देखिए, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो घंटी है उसे दबाकर वॉल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही और अपडेट जल्दी से जल्दी आप तक मैं हमेशा पहुँचाता रहूँ।